अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फैसल मुगल मदीना मुनव्वरा से। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पे सस्ती मार्केट्स का और दूसरी चीज़ों के बारे में शॉपिंग का भी रिव्यू दूंगा। तो आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पे मस्जिद बिलाल। मस्जिद बिलाल में नीचे ये ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा गोल्ड मार्केट ही है, मतलब मार्केट बनी हुई है लेकिन इसमें ज़्यादा गोल्ड्स की शॉप है। तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि गोल्ड्स के मतलब क्या रेट चल रहे हैं और कैरेट वगैरह और ग्राम वगैरह के और मतलब उसमें वैराइटीज़ क्या क्या हैं। तो मेरे साथ देखा इंशाल्लाह अभी आपको वीडियो में दिखाता हूँ। और ये जैसे ही आप इधर गेट से अंदर आएंगे, इसके चारों तरफ रस्ते हैं, आप आ सकते हैं। यहाँ पे ये गेट भी है और उस तरफ भी गेट है, वो आपको है अगर आप बजरंगबली साइड से आते हैं तो फिर ये गेट आपको इधर से एंट्री होगी। और ये देखने शॉप सारी हैं। और अभी जो मैं शॉप का आपको विज़िट करवा लेता हूँ, ये अभी शिरका किन्स तैयबा लिल दहब वल जहरात। ये दहब तो गोल्ड को कहते हैं, जवाहरात जो होते हैं ये क्रिस्टल्स को मतलब कहते हैं। तो इंशाल्लाह आपको हाँ जी आपको अपडेट करवाते हैं। और ये देखें जी इसमें चीज़ें, ये देखें जी यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम, क्या ख्याल है? आपका फीस सारा था वह जरा बिकम सार है ना हाँ जी। ये ना असल में कह रहे हैं कि ज़ायद क्योंकि डिज़ाइन हाँ था वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जो है ना रेट वो टैक्स के बाद मतलब वो टैक्स से पहले बता रहे हैं और टैक्स के बाद 15% टैक्स है हमारे मुल्क में, वो टैक्स के साथ बता देते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जी कि टैक्स के बाद वो जो भी आप लेंगे उसकी कीमत पर वो ऐड करते हैं। तेई कल मतलब 15 से ही किया, यानी वो जो है ना वो मतलब उसके डिज़ाइन के हिसाब से होता है। जो छोटा डिज़ाइन है वो कॉस्टली कंसिडर किया जाता है, फिर जो भी इसकी कॉस्ट होगी उस पर टैक्स होगा। तो हाजा कुल्लू कम हाजा कह रहा था 21। अच्छा ये कह रहा जी ये 21 कैरेट है, हमारे अक्सर लोग समझते हैं वहाँ पे जी कि हर चीज़ 22 कैरेट होती है, 24 कैरेट मिलती है सऊदी में, ऐसा नहीं है। 21 कैरेट भी होता है और उसमें 22 भी होता है। हाँ जी ये देखें ये आप माशाल्लाह जो है ना इसमें ये चूड़ियों की देखें कितनी लार्ज वैरायटी है, इतनी उधर एक शॉप पे नहीं देखने को मिलती। और ये सब ओरिजिनल गोल्ड्स की पड़ी, हाँ ऑर्डर पर बनानी पड़ती है यहाँ पे, तो सब पड़ी है। ठीक है हाजा 42। हाँ जी ये जो है ना ये माशाल्लाह 22 कैरेट के हैं और आप ये इसमें देखें कि 22 कैरेट के डिज़ाइन बनाए हुए हैं। हाँ जी ये वो कह रहा है कि ये 21 कैरेट के हैं और इनमें आपको अपनी चॉइस के हैं, मतलब इंडियन स्टाइल भी हैं और दूसरे अरेबिक स्टाइल के भी हैं। तो फी दहब ए जी एश कतर वाले ये जी यहाँ पे दो तरह के गोल्ड आते हैं, एक कुवैत का गोल्ड आता है वो थोड़ा सा रेडिश होता है, तुर्की के भी हाँ, और ये तुर्की के डिज़ाइन भी बता रहे हैं इसमें और सऊदीया के मेड भी हैं। और ये कि इस पर ग्राम वगैरह लिखे होते हैं आपको मतलब इसका हादसा मकतूब जराब सा हादसा सब आशरीफ है ना। ये ना देखिए इसमें यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि इसमें जराब पहले टैग्स लगे होते हैं जराब के, आप मतलब खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइप इजहाज वह जराब कम इतला मादरीब आधा मिथिल 28 ग्राम नस ये जी 7200। हाँ जी ये वो कह रहा है कि मतलब वो टैक्स डाल के और फिर जितने जराब होंगे वह जराब मादरीब कम बालिश समझ हाँ जी ये ना आपको तकरीबन ये देने हाँ जी ये 250 हाँ, यानी वो कह रहा है कि 220 का है और टैक्स के साथ जो है ना 253 का, मतलब तकरीबन वो इस पर 33 रियाल टैक्स बन जाता है इसके ऊपर, क्योंकि वही 15% जो है। तो माशाल्लाह अच्छी वैरायटी है और यहाँ पे एक है सोने की गारंटी होती है सर, आधा दोबारा है गुड अदा इंशाल्लाह असली दोबारा आना हाँ जी, ये इंशाल्लाह इनकी गारंटी होती है कि 100% जो है ना वो आपको ये ओरिजिनल गोल्ड देंगे। लेकिन जो बताएंगे इनको पास गोल्ड जो पड़ा हुआ वाइट कैरेट वो जो 21 कैरेट है वो 21 होगा और 22 भी होगा, इसमें और भी चीज़ें दिखा रहे थे। तो इफ़ी अशिया हुआ वाफ़ी जराब हुआ सार साहब अच्छा अब सगीर आई वह फिर है ना हाँ जी। अच्छा इसमें कुछ चीज़ें हैं कि आप अगर इधर आए तो वो बाद में बहस कर रहे होते हैं
बहस कर रहे होते हैं कि जी ये ग्राम इतने के तो इतने की दे, ऐसा नहीं होता। वो छोटी जो चीज़ होती है उसकी बनवाई महंगी पड़ती है, और वो लोग कहते हैं जी कि ये पर पीस के हिसाब से हाँ जी देते हैं। هذا حبا صاحب خجراب حساب ايوه صح انا كل بشر كثير نفر يجي كلام كثير وكل ليش ما يجي خجراب هذا وزن خفيف ايوه وزن خفيف هذا وزن خفيف بتاب زياده مطلب هو كثير والله بيجون زباينك ايوه ये देखें ये जो है ना आपको इसके डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, ये माशाल्लाह बड़े प्यारे डिज़ाइन बने हुए हैं। झुमके झुमके स्टाइल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बताओ? इयररिंग, झुमके, कांटे, सब कुछ बोलते ये क्या है? टॉप्स भी होते हैं हाँ। ये चेन्स हैं हाँ, गोल्ड की चेन्स है, माला कह सकते हैं जी, माला। और ये नीचे क्या है, पायल? हदा ईश अगर ब्रेसलेट होंगे या पायल होंगे? हदा तहत ईश हगरजुल वो वही पायल, वो जो चीज़ वो कह रहे हैं ना हाँ जी, ये पायल की इसकी है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी वैरायटी है उसमें। और ये देखें यहाँ पे ये रिंग्स हाँ जी, फी दहबाबियत हाँ जी, ये देखें आप माशाल्लाह इसमें वैरायटी देखें आप कितनी ज़्यादा। और ये हज़ा हब्बास बफी जराम साहब हाँ जराम हाँ, तो ये चीज़ें कि आप यहाँ से अच्छी मतलब वो कह रहा छोटी जो है वो पीस के हिसाब से देते हैं, मतलब उनका ये हिसाब होता है। बस इज़ा इसी आधा आधा सगीर आधा कभी जी, वो अभी जो है ना इसको वो कर रहा है उसमें तोल के मतलब हाँ जी ये देख ले जी, ये तलो तुम्हें अरब ये 21 कैरेट है, वो वजन कम है वाहिद उतरीन हाँ जी, ये मतलब इसका है कि थोड़ा सा वजन है, और उसके अलावा पैसे भी थोड़े एक्स्ट्रा वो लगाते हैं ज़ाहिर है, क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, छोटी की बड़ी चीज़ लेंगे तो फिर वो लगा लेंगे। हाँ दहबाबियत ये देखें जी, ये वाइट गोल्ड भी यहाँ पे पड़ी हुई हाँ जी, ये वाइट गोल्ड पड़ी हुई है, माशाल्लाह इसमें वैरायटी है। आपको अगर और भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आपने भी अगर यहाँ से बाय किया हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट्स में। इससे ये कि दूसरों की हेल्प हो जाएगी जो यहाँ पर माशाल्लाह चीज़ें खरीदने के लिए आते हैं, मेरा भी मकसद ये। अच्छा ये कह रहा जी 18 गोल्ड भी है, तो मैं यही चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी लेने लगे तो कम अज़ कम आप इसे पूछ लें कि कितने कैरेट का है ये इसमें। वो कह रहा है 18 कैरेट भी सऊदीया में चलता है, हमारे वहाँ पे तो ज़्यादा 21 और 22 ही चलता है। तो बस ये मेरी वीडियो का मकसद है कि जो लोग यहाँ पे हाजी और आते हैं इंशाल्लाह, तो मेरा यही होता मकसद कि आपको जो है ना जो आए उनके गाइड हो और अच्छी से अच्छी चीज़ मिले और सस्ती मिले। हाँ जी ये सारी ये क्या है, ब्रेसलेट पड़ी हुई हाँ, ये सारी मतलब माशाल्लाह इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि अगर आप लेना चाहें तो आप वापस नहीं जा, आप कहेंगे कुछ ना कुछ आपको अपनी पसंद का लाजमी मिल जाएगा जी। ये वाइट गोल्ड भी है, तो अगर जिन लोगों को रीसेल करने के मतलब माइंड में अगर हो लेना फिर तो वाइट ना ले, वो ये ले लें इसमें फिर भी हो जाता है। और इसमें जो कुवैत का है वो थोड़ा सा रेडिश शेड होता है गोल्ड का, और जो सऊदीया का है वो थोड़ा सा मतलब येलो शेड होता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।